नमस्कार दोस्तों, वेलकम लाइट डेकोरेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको होली की एंड धुलंडी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज अपन दोस्तों बात करते हैं तोरण की। तो 10x20 का ये तोरण है, तो मेरे पास इसी तोरण के बार बार कमेंट आ रहे थे। तो कमेंट ये था कि आप हमें तोरण की वायरिंग कैसे करते हो, तो कंट्रोलर कैसे जोड़ते हो तोरण के। तो उसी कंट्रोलर एंड SMPS के ऊपर जो मैंने फिर से वीडियो बनाया है, तो आप इसी वीडियो के अंदर लास्ट तक देखना, तो सारी वायरिंग आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलो अब अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको तोरण कंप्लीट करके इस टाइप का यहाँ पे जो अपना नेगेटिव पॉजिटिव एंड डेटा, तो सबसे पहले तो ये अपना कंट्रोलर है, सर्किट टाइप में कंट्रोलर था ये। तो इसके अंदर सेम तीन वायर है, तो यहाँ से तो होगा इसका इनपुट डेटा, जो कि ग्रीन वायर के अंदर है डेटा। और इसके बाद में अपन बात करते हैं ये पॉजिटिव वाले की, जहाँ पे प्लस आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला पॉजिटिव रेड, तो यहाँ से पॉजिटिव का वायर है। और बीच के अंदर जो ये नेगेटिव वाला ब्लैक वाला वायर, ये नेगेटिव वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको तोरण के अंदर इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। चलो सबसे पहले अपन वायर स्ट्रिप के द्वारा अपन वायर को छिलते हैं। तो मैंने पॉजिटिव वाले वायर को छिला है सबसे पहले, और इस कंट्रोलर के भी पॉजिटिव वाले वायर को छिल लो। छिल के इसे इसके अंदर अच्छी तरह से लगा के वायर सोल्डर के द्वारा सोल्ड कर दो। फेस्ट लगा के अच्छी तरह से सोल्ड करो, ताकि इसको स्पार्क होने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो ब्लिंकिंग नहीं करेगा ये। दोस्तों इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ब्लिंकिंग के बारे में भी लास्ट में बताऊंगा, ब्लिंकिंग क्यों होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए अपन तोरण के अंदर कंट्रोलर के वायर कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये अपना नेगेटिव वाला वायर है, जिसे आप माइनस वाला वायर जो होता है ब्लैक, तो ये ब्लैक अपना वही नेगेटिव वाला वायर है। इसको भी सेम इसी प्रोसेसिंग से अपन को वायर सोल्डर के द्वारा सोल्डिंग करनी है। तो सेम उसी प्रोसेसिंग से अच्छी तरह से अपन को इससे सोल्ड कर लेना है। चलो इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो अपना ये सोल्ड हो गया। तो अब बात करते हैं अपन डेटा की, जो ग्रीन से ग्रीन होगा, जिस तरफ से आप तोरण के अंदर डेटा इनपुट करोगे उसी तरफ आपको कंट्रोलर लगाना है। तो यहाँ से मैं ऐसे डेटे वाला वायर, जो तीसरा नंबर का है ग्रीन वाला वायर, वो डेटे का ही था, कंट्रोलर का भी डेटे का ही है वो। तो वो अपन को इसी प्रोसेसिंग से उसको भी सोल्डिंग करनी है। तो मैं वायर सोल्डर के द्वारा इसे सोल्ड कर देता हूँ अच्छी तरह से। अब अपन बात करेंगे इसके, ये वाली सिलू कट कर लेते हैं और स्लिप लगाएंगे। तीन कट करना है अपन को, तीन जो अपने थे वायर, तीनों के अपन को यहाँ पे सिलू लगा के अच्छी तरह से पैक करना है, क्योंकि यहाँ पे अपन टेप भी लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब मेरे पास सिलू अनेबल है तो मैं सिलू ही लगाता हूँ। इसको इस तरह से डेटे वाले वायर को मोड़ के बराबर कर दो, ताकि जॉइंट जो अपना सोल्डिंग जॉइंट था वो साइड के अंदर आ जाए, और इसके अंदर सिलू फंसा दो। अब अगर आपके पास SMD मशीन है तो उससे कर लो, नहीं तो आप लाइटर के द्वारा या किसी भी गर्म चीज़ के द्वारा भी आप इसको वो कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इसको SMD मशीन के द्वारा सेट करता हूँ। ये अपनी सिलू हो गई पैक, ये अपना हो गया कंट्रोलर। इसको इस डिब्बी के अंदर पैक कर देते हैं, ऐसी डिब्बी आपको मार्केट में मिल जाएगी।
अब अपन जोड़ते हैं इसके SMPS सप्लाई, जो कि मेरे पास ये 20 एम्पियर का SMPS सप्लाई है। यहाँ पे अपन को AC वाले वायर लगाने हैं, ये अपना जो कॉमन वाला है, तो इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव वाले वायर सबसे पहले लगाते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन लगाएंगे AC वाले वायर, AC सप्लाई वाले, जो कि अपन को जहाँ से अपन को 220 वोल्ट लेनी है, तो दोनों वायर या तो मैं AC सप्लाई के लगा देता हूँ इसके अंदर। इनको भी आपको अच्छी तरह से टाइट करके कसना है। अब जो ये अपना पॉजिटिव वाला वायर था, ये प्लस V लिखा हुआ उस पर, यहाँ पर आपको पॉजिटिव वाला वायर जो अपना रेड कलर का था तोरण का, तो वो ही यहाँ पर आपको इसी प्रोसेसिंग से अच्छी तरह से स्क्रू ड्राइवर के द्वारा टाइट करके लगाना है। और ये जो कॉमन लिखा हुआ है, ये नेगेटिव वाला है, कॉम है अभी, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव वाला वायर लगाना है। देख लो, ये अपना नेगेटिव पॉजिटिव हो गई, और ये दोनों AC वाले वायर भी दोनों के अंदर लगा दिया आपने। तो अब अपन इसको AC सप्लाई देख के देखते हैं, AC सप्लाई देख के देखते हैं। तो ये अपना AC सप्लाई वाला बोर्ड आ गया, यहाँ पे AC लाइट चालू है अभी इसके अंदर, तो 220 वोल्ट देके देखते हैं। तो इसको स्विच को ऑन करने के बाद यहाँ पे एक लाइट ग्लो होगी, तो मैं ऑन कर देता हूँ। तो अपनी लाइट भी ग्लो हो गई और तोरण भी चल गया। तो दोस्तों, ये अपना कंट्रोलर था। तो मैं अब आपको इसको बड़ी साइज में लगा के दिखाता हूँ। तो तब तक के लिए आप इसके इफ़ेक्ट चेक करना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इफ़ेक्ट देखो और मज़े लो।